जय हिंद फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने जेई जार्गन्स के नाम से एक प्लेलिस्ट चालू करी है जिसमें आपको जेई जर्नी के दौरान जो भी छोटे छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी छोटे छोटे कंकड़ या पत्थर आते हैं उनको उठा के फेंकने का हमने एक छोटा सा प्रयास चालू करा है, ताकि आप एक बड़ी चट्टान के साथ जूझ सकें जो कि आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है। ऐसे ही आपकी कोई भी छोटी छोटी प्रॉब्लम है आप मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर शेयर कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन दैट। आज की इस वीडियो में हम ऐसी एक जेन्युइन प्रॉब्लम का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पढ़ के सुना देता हूँ सीधा सीधा। कहते हैं भैया जेई मेन्स या एडवांस की कोचिंग ऑफलाइन लेनी चाहिए या ऑनलाइन? लॉकडाउन के बाद से लगभग सभी रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं एंड उनकी फीस भी कम है, सो आई एम मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स देम। रजत दिल्ली। देखिए रजत, फीस को एक बार साइड रखते हैं और देखते हैं कि आपका फ़ायदा किस में ज़्यादा हो रहा है, ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस में। तो ये फ़ायदा इंडिविजुअली भी डिपेंड कर सकता है, क्योंकि मेरा मत अलग हो सकता है और आपका विचार, आपकी राय अलग हो सकती है इस बात पे। लेकिन जज करने का सबसे आसान और बढ़िया और जल्दी सॉल्यूशन निकालने का तरीका बता देता हूँ। जब भी आप कभी दो चीज़ों में कन्फ्यूज हों कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो सबसे आसान तरीका है उसके लिए एक शीट बनाइए आप, और एक तरफ लिखिए ऑनलाइन क्लासेस, एक तरफ लिखिए ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस। अब आप उसमें दोनों की एडवांटेजेस लिखिए। मैं आपको कुछ बेसिस बता देता हूँ डिफरेंशिएट करने के दोनों के बीच में। जैसे कि आपका क्राइटेरिया हो सकता है, आपके अनुसार आपने लिखा कि भाई उनकी फ़ीस, तो आपने सिर्फ एक क्राइटेरिया बताया है कि भाई ऑनलाइन क्लासेस में फ़ीस कम है, ऑफलाइन क्लासेस में फ़ीस ज़्यादा है। वैसे ही बस एक क्राइटेरिया नहीं, और भी चीज़ें हैं जो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में। जैसे कि डाउट सेशन में अगर आपको अपने क्राइटेरियाज बताऊं, आपके अपने खुद के हो सकते हैं क्योंकि डिसीजन आपका है, बट आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि डाउट सेशन, अब आपको ऑनलाइन क्लासेस में डाउट सेशन की क्लैरिटी हो रही है, क्या आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, और ऑफलाइन में कितने हो रहे हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी आपको कितनी लगती है। भाई ऑफलाइन क्लासेस में मैक्सिमम कितने बच्चों का बैच होता है, 50, 60, 70, और ऑनलाइन क्लासेस में लगभग 1000 बच्चों का बैच होता है, और उसमें चैट्स में डाउट्स पूछे जाते हैं लगभग, और कितने बच्चों का एक टीचर डाउट क्लियर कर सकता है उस समय पर। मुझे यहाँ तक लगता है कि ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पर जीतती है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में अगर आप डाउट पूछने वाले बच्चे हैं तो ऑफलाइन क्लासेस में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि आप डायरेक्टली टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। यू कैन इंटरप्ट इन बिटवीन द क्लासेस एंड आस्क योर डाउट, बट ऑनलाइन क्लासेस में आपको इतना ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि टीचर के पास और ज़्यादा बच्चे हैं और जिनके चैट पर टीचर की नज़र पड़ती है लगभग उन्हीं के डाउट्स क्लियर हो पाते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू क्लियर योर डाउट्स, और डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तो बच्चा क्या करेगा, वापस यूट्यूब वगैरह या अनदर बुक्स में सर्च करेगा, फिर वो अपना ओवर टाइम कंज्यूम करता है इन चीज़ों में, और उसी समय पर आपका टाइम एक तो ऑनलाइन क्लासेस में चला गया अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, और उसके बाद वो जो डाउट क्लियर नहीं हुए उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आपको अलग से लेक्चर्स देखने पड़ेंगे यूट्यूब वगैरह पर, तो इनमें भी आपका समय थोड़ा सा ज़्यादा चला जाता है। इस वजह से ऑफलाइन क्लासेस आई वुड प्रेफर, कि अगर डाउट सेशन मेन क्राइटेरिया है तो ऑफलाइन क्लासेस इज़ द बेस्ट फॉर यू। और क्या क्राइटेरिया हो सकता है, जैसे ट्रैवलिंग, भाई कोई बच्चा कह सकता है कि ट्रैवलिंग एक घंटा में दो घंटे बच जाते हैं मेरे, कोचिंग में जाने आने से टाइम वेस्ट होता है। लेकिन इसको अगर आप पॉजिटिव सेंस में भी लेना चाहें, क्योंकि मेरे लिए ट्रैवलिंग एक अच्छा रिलैक्सेशन समय होता है, कोचिंग क्लासेस लेने के बाद एकदम से पढ़ने का मन तो बिल्कुल नहीं करता, तो थोड़ा सा ट्रैवलिंग में टाइम जाता है, इधर उधर लोगों को देखते हैं, गाड़ियां बच्चे कैसे खेल रहे हैं, आसपास दुकानें देखते हैं, लोग देखते हैं चलते चलते फिरते, तो माइंड थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता है, और उसके बाद घर आके वापस रिज्यूवनेट हो जाते हैं पढ़ने के लिए,
तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है, नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है, और ये आप पर डिपेंड करता है ट्रैवलिंग को आप किस तरीके से लेते हैं। तीसरा पॉइंट है स्क्रीन टाइम, क्योंकि आपका ऑफलाइन क्लासेस के टाइम, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हो तो स्क्रीन टाइम काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि आपको डायरेक्टली टीचर से इंटरेक्ट करने का मौका मिल जाता है। जो आपको छोटे मोटे डाउट्स क्लियर करने होते हैं वो आप उनके लिए वीडियोस वगैरह देखते हैं यूट्यूब पर, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में आप लेक्चर्स के लिए भी वीडियोस देखते हैं, डाउट सेशन क्लियर करने के लिए भी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब, तो आपका स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ जाता है। ज़्यादा स्क्रीन टाइम भी अच्छी बात नहीं होती है, तो आप इस क्राइटेरिया से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस को। स्क्रीन टाइम में क्या होता है, जब आप क्लासेस वगैरह लेते हैं या फिर यूट्यूब पर कोई डाउट सेशन देख रहे होते हैं, तो ज़्यादातर आपके डिस्ट्रैक्शन के काफ़ी चांसेस होते हैं। आप ऐसा तो नहीं है कि आप इतने स्वावलंबी हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, आपने बस टारगेट बना लिया है कि भाई डाउट सेशन लेना है, उसके बाद फ़ोन बंद कर देना है, फिर अपनी पढ़ाई करनी है। अगर आप ऐसे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बट मेजॉरिटी बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। मन करता है भाई डाउट सेशन लेना है, उसके बाद एकदम से नोटिफिकेशन आ जाता है एंड आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लग जाते हैं, कभी व्हाट्सएप पे कोई दूसरी वीडियो देख ली, थंबनेल किसी का अच्छा लगा तो देख लिया, इस तरीके से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर आप इसी जाल में फंस जाते हैं और आपका डाउट सेशन कहाँ गया, ख़त्म। तो ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है, सबके अपने अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं, मैंने अपने मन चुने क्राइटेरिया डिसाइड करे हैं, आपके अपने हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक शीट बनानी है जिसमें अपना ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस का दोनों बीच में लाइन खींचनी है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस बांटनी है और अपनी एडवांटेजेस लिखनी है कि भाई किस में एडवांटेजेस क्या क्या हैं, ऑनलाइन में क्या क्या एडवांटेजेस हैं आपकी और ऑफलाइन में क्या क्या एडवांटेजेस हैं, और उसके बाद आपको तय करना है कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। अब जब आपने ये शीट बना लिया था, देन यू विल डिसाइड इन अ बेटर वे कि आपको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। समझ में आ रही है बात रजत, उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।